सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बच्चों के साथ मैं सोची कि थोड़ा बाहर जाकर टहल लूँ। और बच्चों का भी मन था क्योंकि हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं बाहर कोरोना की वजह से, तो आज हम सब निकले हुए हैं OTC ग्राउंड। और बच्चों का मन है कि आज फुचका खाएं, तो बहुत जिद करने लगे बच्चे, तो मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड चले गए, हम कल ही आने वाले थे लेकिन कल बहुत ज़ोर बारिश हुई जिस कारण हम नहीं निकल पाए थे। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं भी फुचका खा ही लूँ, क्योंकि इमली का पानी मैं खाती पीती हूँ तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है मुझे। लेकिन आज मन कर रहा है देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, तो सोच रही हूँ कि खा ही लूँ फुचका, क्योंकि रोज़ रोज़ तो खाने का मौका नहीं मिलता। फुचका खाने के बाद बच्चे थोड़ी देर फील्ड में खेलना चाहते हैं, तो मैं बोली कि खेल लो, अभी वैसे भी शाम नहीं हुई है। हम सब 4 बजे निकले हुए थे, फील्ड में बहुत से लोग आए हुए हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, घूमने भी लोग आते हैं। ऐसे शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ OTC ग्राउंड में, सुबह और शाम लोग घूमने आते हैं और बैठ के अपना गपशप भी करते हैं। बच्चे भी आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बच्चों को तो खेलना ऐसे भी पसंद है। हम सब अब वापस जा रहे हैं घर। और ये देखिए लल्ला है, सो सड़क पे कीचड़ जमा हुआ है क्योंकि कल बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। तो आज सुबह तो हल्की धूप निकला हुआ था हल्का सा, लेकिन पूरा सूखा नहीं है रोड। और वो देखिए उन लोग, चलो सीधे चलो बच्चा, बस अब हम थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। हम लोग का अंदर थोड़ा घुस कर है मकान जहाँ पे हम लोग रहते हैं टेंट में, तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये फील्ड में आए हुए हैं और उनको अच्छा लग रहा है। तो दोनों भाई आगे आगे जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी, हम सब साथ में जा रहे हैं। माँ नहीं आ पाई इसलिए मैं माँ के लिए फुचका पार्सल ले जा रही हूँ, वो घर पे ही खा लेंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं, घुटने में उनका दर्द रहता है, तो इसीलिए मैं बोली कि मैं लेते आऊँगी। अब हम सब बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ, और हम सब पेपर बोट भी लेके जा रहे हैं क्योंकि फुचका खाने के बाद इन लोग का मुंह बहुत ज़्यादा तीखा तीखा लग रहा है। ऐसे तो मुझे तीखा बहुत पसंद है, तो इन लोगों का मन था कि नई पेपर बोट भी ले दो मम्मी। ऐसे पापा इसके गए थे तो इन लोग को पॉकेट मनी दे कर गए, बोले कि तुम लोग खाना पीना, तो इसीलिए आज बच्चे बोले नहीं मम्मा चलो, पापा पैसा दे कर गए हैं। तो वही हम सब अब पहुँच ही चुके हैं और अब हम सब रूम में जा रहे हैं।
पैर हाथ धोएंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं। देखिए बच्चे पी रहे हैं और मैंने भी ले लिया है, मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है पीने में। ऐसे तो अच्छा फ्लेवर है लीची का। और लल्ला बाबू है सो फ्रूटी पी रहा है, वो बोला कि मैं फ्रूटी लूँगा तो उसके लिए मैंने फ्रूटी ले दिया है। और देखिए कैसे पी रहा है मेरा बड़ा बेटा। इन लोग का मुँह तीखा तीखा लग रहा था तो मीठा मीठा ये लोग पी रहे हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अब शाम होने ही वाली है तो थोड़ी देर के बाद मैं खाने की तैयारियां करूंगी, चाय नाश्ते के बाद। ऐसे तो नाश्ता हम लोग का हो चुका है, फुचका खा लिए हैं। मैं चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद और फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, खाने की तैयारियां करूंगी, फिर मिलते हैं।